বালিগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য আজ মনোনয়ন জমা দিলেন বাবুল সুপ্রিয়। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর তিনি ঠিক কি জানিয়েছেন শুনব। প্রার্থী মনোনয়ন কি আছে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন বাবুল সুপ্রিয়। हम कोई जवाब ही नहीं देंगे, हम कोई भी जवाब नहीं देंगे। और अगर पार्टी छोड़ने के लिए उनको इतना गम है तो फिर उनको अपने एलओपी को लेके क्या करेंगे, अपने एलओपी को क्या कर लेके क्या करेंगे, एलओपी के भाई और डैडी। बालीगंज विधानसभा शादी ले रहे, बंगलो ले रहे, घर ले रहे, उसका क्या करेंगे? जो कांग्रेस को प्रधानमंत्री जी सिर्फ आज के लिए नहीं, हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू से लेके अभी हाल ही में इतनी भला बुरा जिन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह जी को कहना पड़ा कि अभी भी 8 साल रहने के बाद भी आपको जवाहरलाल नेहरू की बात करनी पड़ रही है। तो जो उसी कांग्रेस पार्टी से जिन लोगों को राज्यसभा का सीट राज्यसभा से लेके गए हैं और उनको मंत्री बनाए हैं, भले वो नॉर्थ ईस्ट में हेमंत बिस्व शर्मा को देखिए जो उनका मेन मुखिया है नॉर्थ ईस्ट में, या मेरे अच्छे दोस्त है लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया है, और कितने लोग हैं, इनको क्या कहेंगे? वोट के पहले जिन लोगों को साइन कराया गया कांग्रेस से, कांग्रेस को तो हर आदमी को हुटखोला जीपे बाबुल सुप्रियो मनोनयन जमा दिते आसेन। इतने दिन था वो मेरा इतिहास है, उसको तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपना सर ऊंचा करके मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ खड़े होके मैंने अगर डिसीजन लिया है तो वो पार्टी अगर मैं छोड़ी है उसके साथ जो भी करना था वो सबने साहस के साथ किया है। अब जो पार्टी जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ उनके लिए पहले इनिंग्स से सेकेंड इनिंग्स मेरा और भी बेहतर हो, यही मेरा मेरी उम्मीद रहेगी, यही मेरा प्रचेष्ट मतलब मेरी कोशिश रहेगी। और आप क्रिकेट में ना बैट्समैन का एवरेज देख लीजिएगा, ज्यादातर सेकंड इनिंग्स का एवरेज जो है ना वो फर्स्ट इनिंग से बेटर होता है, और उसी में भी कोई क्वेश्चन मार्क हो तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है उसी को भी आप देख लीजिए। आसनसोल में रहे नहीं रह पाए क्योंकि सही साथ में हम लोग को देना था, लेकिन आसनसोल को भी एक बहुत स्पेशल इंसान मिला है जिनको हर आदमी नाम से पहचानते हैं, और उनका और हमने बीजेपी के लिए सब कुछ दिया, हमें अलग अलग प्रदेश में कैंपेन के लिए यूज किया गया, मतलब पार्टी की ड्यूटी हमने निभाई है। शत्रु जी को कहाँ कहाँ प्रचार में वो जाते थे, मैंने कौन कौन से प्रदेश में प्रचार नहीं किया, लेकिन वो भी केंद्रीय मंत्री थे अटल जी के समय में, मैं भी केंद्रीय मंत्री थोड़ा बाकी लोग से थोड़ा। বালিগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দিলেন বাবুল সুপ্রিয়। হুটখোলা জিপে বাবুল সুপ্রিয় আসেন র্যালি করে এবং তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেন। এবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন, তবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বালিগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়।